प्रदेश और बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं, तो वहीं लगातार कोरोना के नियमों का उल्लंघन भी देखने को मिल रहा है। ज्यादातर लोग महाराष्ट्र और गुजरात से उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ पूजा के लिए अपने घर पहुंचते हैं। वहीं लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन या चारबाग रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ में लोग कोरोना के नियमों को भूल से गए हैं। त्योहारों के सीजन में एक बार फिर लोग कोरोना के नियमों को दरकिनार करके त्योहारों की खुशियों में डूबे हैं। वहीं डॉक्टरों की माने तो जनता की ये लापरवाही बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। बरौनी जा रहे हैं, मास्क नहीं पहना आपने, मास्क अभी खोला, खाना खा रहे थे ना, नाश्ता किया है तो इसीलिए मास्क पहनना चाहिए था। नहीं खाना खा रहे थे, अभी पूछ लीजिए बाबा से। अच्छा ठीक है, खाना खा रहे थे। हाँ, कोरोना खत्म हो गया कि नहीं अभी? कोरोना खत्म हो गया कि नहीं अभी? कोरोना अभी तो नहीं खत्म हुआ है, कोरोना तो अभी चल ही रहा है। मास्क पहनिए, ठीक है ना? खाना खाने वक्त कैसे मास्क पहन सकते हैं? थर्ड वेव की रिस्क तो तब तक रहेगी जब तक कि हमारे कंट्री का वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता। दूसरा है, अभी दिवाली गई है और छठ पूजा आनी है और लोग ट्रैवलिंग बहुत करेंगे क्योंकि इंटर स्टेट है, घरों पर आना है, ये करना है, तो हमें अभी भी प्रिकॉशन लेना है। अगर हम इन्हीं त्योहारों के दौरान जब एक दूसरे से मिलना जुलना ज्यादा होता है उसी समय प्रिकॉशन ले लेंगे तो हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। दिवाली धनतेरस के बाद लोग छठ बनाने के लिए अपने अपने घर जा रहे हैं। तमाम शहरों से लोग उत्तर प्रदेश और बिहार का रुख कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए या मास्क की बात की जाए, लोग भूल चुके हैं। फिलहाल कई लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं। ये बरौनी लखनऊ ट्रेन है। सर आप जा रहे हैं बरौनी, जा रहे कहाँ जा रहे हैं? देवरिया जा रहा हूँ। देवरिया, मास्क नहीं पहना आपने? हाँ जी। सर त्योहार के समय यही पूरा थर्ड वेव आने का डर है, मास्क तब भी नहीं पहना आप लोगों ने? पहनना चाहिए सर जी, बिल्कुल। देखिए मास्क नहीं पहना, कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि मास्क नहीं पहना, थर्ड वेव की जो विशेषज्ञ है वो भी कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकता है, थर्ड वेव बचाया जाना चाहिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरीकों का जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। मतलब बच्चे भी हैं फिलहाल, ये मास्क पहने, आप मास्क पहने हुए हैं? जी सर। कहाँ जा रहे हैं आप? दरभंगा, दरभंगा जिला। कहाँ जा रहे हैं? दरभंगा जिला। अच्छा, क्या छठ मनाने के लिए जा रहे हैं क्या? मास्क पहनना जरूरी होता है ना? नहीं, लोगों को बताया करिए मास्क पहना करें। देखिए बिल्कुल मास्क पहनना जरूरी है, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी फिलहाल पालन करते नजर नहीं आ रहे, और भी कई लोग यहाँ बैठे हुए ट्रेन में, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या यहाँ पर जिस तरीके से लोग पहुँचे हैं, जा रहे हैं छठ मनाने के लिए, कितना अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कई महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं स्टेशन पे, कई इंतजार कर रही, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से। मैम आप कहाँ जा रहे हो? गोरखपुर जा रही हैं, छठ बनाने के लिए जा रही हैं क्या? मैम मास्क क्यों नहीं पहना आपने? अभी पहने थे, निकाल के रखे हैं। रखे हैं यहाँ पे। पता है कोरोना चला गया है क्या? नहीं नहीं है, कोरोना का पालन करना चाहिए ना, तो मैं इस पर पहनी है, इसको जरूर पहनना चाहिए। सर आप भी नहीं पहने मास्क, ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, मास्क पहनना चाहिए। हाँ मास्क अभी रखे हैं। खत्म हो गया क्या? नहीं, खाना ना खाए, पानी पिए, इसलिए। बिल्कुल कहीं कई कई बहाने यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि खाना खाया, पानी पे, लेकिन जिस तरीके से कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी बेहद खतरनाक थी, त्योहारों के बाद ये विकराल रूप भी ले सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी तमाम तरीके के नियम है उसको जरूर पालन करना चाहिए। भरत सेठी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। बात करेंगे।